जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप फसल और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर सिंहस्थ। जहाँ छलका था अमृत का घट, जहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा तट, जहाँ साधु मिले दूभर दुर्लभ, जहाँ पूज्य संत करते शब घट सिंहस्थ। जहाँ कालिदास ने ग्रंथ गढ़े, जहाँ धर्म संस्कृति सदा बढ़े, जहाँ सूरज अपने रथ में चढ़े, उस महाकाल उज्जैन धरा पर सिंहस्थ। महाकाल की धरती यानी उज्जैन, सिंहस्थ कुंभ महापर्व। संतों का है ये आह्वान, देश बनेगा स्वच्छ महान। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़े पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जन मन से स्वच्छता क्रांति का निवेदन कर रहे हैं। अनेकों लोगों ने इस बात पर प्रश्न किए, हजारों साल से लोग खुले में शौच जा रहे हैं, आज अचानक क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जिससे लोग खुले में शौच ना जा सकें, आखिर इसमें क्या खराबी आ गई? यस, लोग जाते थे खुले में हजारों साल पहले, लेकिन वो एक ऐसा समय था जब इस देश में कल कल छल छल नदियाँ जैसे मानसून में बहती हैं वहाँ हर समय बहती थी। लोग कम थे, धरती ज़्यादा थी, जहाँ देखो जगह ही जगह होती थी। प्रभाव ये हुआ कि पहले पर्यावरण में जब खुले में शौच जाते थे लोग, तो धरती माँ वो पर्यावरण उस मल को झेल लेता था, लेकिन आज पानी कम, लोग ज़्यादा और मल की वृद्धि हुई, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा मल। जस्ट इमेजिन, हमारे शास्त्र कहते हैं जब समय बदलता है, समय के बदलाव के साथ साथ हमें बदलना चाहिए, हमारी आदतों को बदलना चाहिए, हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। इसलिए आइए, शरीर एक मंदिर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर एक मंदिर है, इसका आदर करें, इसे स्वच्छ रखें और शौचालयों का इस्तेमाल करें। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़ें, आओ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। एक संकल्प लेना है, हम इन नदियों के किनारों पर कोई शौच नहीं करेंगे। अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने गांव के किनारे किसी गरीब के लिए एक शौचालय बनवा देंगे। The Global Interfaith Wash Alliance is coming together to join our hands to build toilets, to ensure that people use toilets. जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हर गांव में 100-100 शौचालय देंगे, तो उस दिन ये समस्या समाप्त हो जाएगी, फिर कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा। यहाँ बेटे जितने भी हमारे मौजूद उपस्थित मेहमान हैं, ये एक अजाइम और संकल्प लेके जाएं कि हम अपने गांव के अंदर शौच बनवाएंगे, और अगर हमारे गांव के अंदर बने तो हम अपने करीब के गाँव के अंदर और जहाँ जहाँ हो सकता है हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे हर गाँव के अंदर शौच बने। मेडिटेशन से भी पहले सैनिटेशन की जरूरत है। 4 बजे जब उठ करके आप पहला कदम धरती पे रखते हैं तो आप सीधे पूजा स्थल की ओर जाने को आपको जरूरत होती है या टॉयलेट की तरफ जाने की जरूरत होती है। We all together can create wonders and this can happen.
स्वच्छता सम्मेलन, स्वच्छ बनाओ देश को। हमें पाक रहना है, साफ रहना है। क्लीन इंडिया टू ग्रीन इंडिया। बिना स्वच्छ हुए स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वच्छता बहुत जरूरी है। देश की आवश्यकता है वो है स्वच्छता। स्वच्छता में और निर्मलता में ईश्वर का वास होता है। मेरा देश मेरा तीर्थ। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। भारत माता की।